हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित किचन। आज की रेसिपी में जो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा यमी है। ये चीज़ आलू पराठा की रेसिपी, तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं ये फटाफट चीज़ आलू पराठा कैसे बनता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल लिया है और इसमें 4 कंछुल मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद इसमें हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन और मंगरेला भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और लास्ट में 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे मोयन के लिए। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि सारे चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका एक नरम आटा तैयार कर लेंगे। पानी हम ना गर्म यूज़ करेंगे और ना ही ठंडा यूज़ करेंगे, रूम टेम्परेचर वाला ही पानी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है, इसको हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए अब रेस्ट देंगे। चलिए जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है तब तक हम इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाही में 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल लेंगे और उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे, यानी कि ब्लैक मस्टर्ड, और इसे चटकने देंगे। जब मस्टर्ड हमारा अच्छे से चटक जाएगा इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। 1 मिनट के लिए सारे चीज़ को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 20 से 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे, ताकि इसमें से रोई स्मेल निकल जाए। 20 से 30 सेकेंड के भूनने के बाद इसमें अब हम 4 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे और लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया हुआ आटा को हो चुका है। तो एक बार इसे फिर से ऐसे मिक्स कर लें। यहाँ पर आटा हमारा तैयार है। अब हम आटे को छोटे छोटे लोई में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आटे को डिवाइड करके बॉल्स तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। आटा का एक बॉल लेंगे और उसको सूखे आटे में लपेट के इसे बेलना स्टार्ट कर देंगे। लोई को थोड़ा सा बेलने के बाद बिल्कुल हम इस तरह से उसे हल्का सा बेंड कर लेंगे और बेंड करने के बाद इसमें हम अपना आलू का मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अपना आलू का मसाला डाल दे रहा हूँ। मसाला डालने के बाद इसके ऊपर में हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैं प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ डालने के बाद इसे फिर से हम सील कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर हमारा पहला बॉल तैयार है। इसी तरह हम सारे लोई में फिलिंग भर के उसे बिल्कुल इस तरह से सील कर देंगे। अब हम फ्लोर पे सूखा आटा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और अपना फिलिंग किया हुआ लोई को लेंगे और उसे बिल्कुल रोटी का आकार देकर बेलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं बेल रहा हूँ। आपको इसे बिल्कुल रोटी के जैसा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा इसे मोटा छोड़ना, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा पहला पराठा तैयार हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह बाकी के सारे बॉल्स के पराठे तैयार कर लेंगे। तो मैं बाकी के सारे बॉल्स के पराठे को तैयार कर ले रहा हूँ। तो चलिए अब पराठे को सेक लेते हैं। तो पराठे सेकने के लिए एक तवा लेंगे और तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तवा जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपना पहला पराठा को रख देंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट देंगे और इसके ऊपर हम या तो मक्खन, या तो घी, या तो फिर रिफाइन लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। पराठे पर घी लगाने के बाद हम पराठे को फिर से पलट देंगे और दूसरे साइड भी सेम घी, बटर या फिर रिफाइन ऑयल स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पराठा कितना अच्छा से फूल रहा है। आप सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपका भी पराठा बिल्कुल ऐसे ही सेम फूला फूला बनेगा। तो दूसरी तरफ भी मैं इसमें अच्छे से घी लगा दे रहा हूँ और घी लगाने के बाद इसे मैं फिर से पलट दे रहा हूँ और दूसरी ओर से भी अच्छे से पका ले रहा हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला पराठा तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल के इसी तरह हम बाकी के सारे पराठे को सेक लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चीज़ आलू पराठा बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार है। आप इसे टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई दें और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में घंटी को छू के ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे से आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अभी तक के लिए मोहित किचन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और छोटी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।